दोस्तों स्वागत है आपका हैशटैग बिकसिंग भारत में। दोस्तों मैं आज 21 सितंबर की करंट अफेयर को लेकर आया हूं। दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर को लेकर आता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको मेरी करंट अफेयर्स डेली के डेली मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है? तो इससे इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन तीन जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी निर्यात पर रोक लगाया है? ऑप्शन है टमाटर, प्याज, आलू, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा प्याज। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2021 में भारत की जीडीपी कितने रहने की अनुमान लगाई है? तो ऑप्शन देखते हैं, -11.5%, -8.2%, -10.2%, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीन, 10.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात कही है? ऑप्शन देखते हैं, पहला है 2024, दूसरा ऑप्शन है 2025, तीसरा 2023, चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत के उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात कही है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने, कब तक? इसका सही आंसर हो जाएगा 2023 तक। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान में सुगना फूड के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता किया है? पहला ऑप्शन है NDB, दूसरा ऑप्शन है ADB, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय संस्थान में सुगना फूड के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता ADB ने किया है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ADB ने $15 मिलियन का ऋण समझौता सुगना फूड के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शाकाहारी फूड्स पर टास्क फोर्स गठित किया है? हाल ही में किसने शाकाहारी फूड्स पर टास्क फोर्स गठित किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, FSSAI, फसाई, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, FSSAI, फसाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। हाल ही में बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस देश में की गई है? ऑप्शन है सूडान, इथोपिया, लाइबेरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, लाइबेरिया। लाइबेरिया में बलात्कार की वजह से हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन दो, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए एक नई विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए एक नई विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है प्रवास, वेगली वाट, द डिसिप्लिन, इनमें से कोई नहीं। वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में द डिसिप्लिन मराठी फिल्म के लिए पटकथा का, सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया है। इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा द डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये थी 21 सितंबर की करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स मिल जाएंगी।